अगर आपको इस तरीके की फिगर्स मिल जाएं कैपेसिटेंस की, जिसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है K1 और K2, ऐसे ही इस फिगर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है K1 और K2, और वो आपसे पूछते हैं कि क्या कैपेसिटेंस है A और B के बीच में, या इस फिगर के अंदर क्या कैपेसिटेंस है A और B के बीच में, अलग पैटर्न से डाइलेक्ट्रिक डाल के। यहाँ अलग पैटर्न है डाइलेक्ट्रिक डालने का और यहाँ अलग पैटर्न है डाइलेक्ट्रिक डालने का, और वो आपसे पूछते हैं कैपेसिटेंस, तो आप कैसे करेंगे। इन क्वेश्चंस को आपने डेफिनेटली अपनी बुक्स में देखा होगा, लेकिन इन क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही सिंपल आसान तरीका समझाने का, वो मैं आपको अब अपने चैनल पे बताऊंगा। ध्यान से देखना इसको, इस क्वेश्चन को करने का क्या स्पेशल ट्रिक होती है। आपको जो भी फिगर मिले आप उसको बेसिकली सीधा कर देना। ये इस तरीके से है, प्लेट्स ऐसे हैं कैपेसिटेंस की। आप क्या करो, सबसे पहले इसको सीधा कर दो। सीधा करने का मतलब इस तरीके से कैपेसिटेंस को आप ऐसे करो, जैसे ये भी ऐसे है, इसको भी इस तरीके से सीधा कर दो। अगर मैं इस फिगर को सीधा करता हूं तो कैसी फिगर बनेगी, इस तरीके से। ये इस तरीके से सीधा हो गया, तो सीधा होते ही ये पोर्शन हो जाएगा ए, और ये पोर्शन हो गया मान लो हमारा बी। हमने इसको ऐसे सीधा कर दिया, ये वाली साइड चलो ए हो गई और ये वाली साइड क्या हो गई, चलो बी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरा जो कैपेसिटेंस है, डाइलेक्ट्रिक्स है, वो कैसे आ जाएंगे। ये आ गया मेरा क्या, के वन, और नीचे वाला क्या हो गया, के टू। ये मेरा K1 और ये K2, हमने इसको इस तरीके से सीधा कर दिया। अब क्या नेट कैपेसिटेंस होगा A और B के बीच में, हम निकालते हैं इसको। कैसे निकालोगे, आप ऊपर वाले कैपेसिटेंस को देखो, ये एक छोटा सा एक आपका कैपेसिटेंस हो गया और ये नीचे कैपेसिटेंस हो गया। आप चेक कर सकते हैं ये कैपेसिटेंस कैसे है, दो छोटे छोटे कैपेसिटर पैरेलल में, वन एंड टू। ये इसको करने की ट्रिक है। जबकि आप इसको अगर आप ऐसे देख रहे हो तो आप मान सकते हो कि ये मेरे कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। एक छोटा कैपेसिटर यहां और एक छोटा कैपेसिटर यहां, सीरीज की फील देगा आपको। जबकि आपको इसको क्या करना है, सीधा कर देना है। जैसे ही आप इसको सीधा करोगे तो एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये दोनों कैपेसिटर आपको कैसे लगेंगे, पैरेलल में। तो इसका वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं इसको C1 मानता हूं और इसको मैं C2 मानता हूं, तो C1 की क्या वैल्यू होगी, C1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। एरिया देखो, प्लेट का एरिया है A और मैंने प्लेट ली है आधी, प्लेट हो गई आधी, तो एरिया हो गया क्या, A/2। और डिस्टेंस, प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी, तो ये तो रहेगा क्या, डी। और मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला है K1, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक K1 डाला तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, यहां आ गया क्या, K1। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, A/2D। ऐसे ही C2 कितना आ जाएगा आपका, इसी पैटर्न से, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। तो दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। कोई चीज कॉमन, एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, एप्सिलॉन नॉट A/2D K1 प्लस K2। ये मेरा नेट कैपेसिटेंस आएगा यहां से। ओके, अब इसी पैटर्न से अगर मेरे को कैपेसिटेंस इस फिगर में निकालना है तो क्या होगा, इसको ऐसे करके मैं सीधा कर दूंगा, कर दो सीधा। और जैसे ही मैं इसको ऐसे सीधा करूंगा, ये साइड मेरी A हो गई और ये साइड मेरी B हो गई, और ये जैसे ही सीधा हुआ तो डाइलेक्ट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएंगे, K1, और ये साइड K2। अब ये मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे पैरेलल हो, जबकि ये कैसे हो गए कैपेसिटेंस, जैसे सीरीज में हो। तो C1 की वैल्यू निकालिए,
सी वन इक्वस टू डायलैक्ट्रिक डाला के वन एप्सिलॉन नॉट, प्लेट का एरिया पूरा का पूरा है ए, तो एरिया हो गया क्या ए अपॉन डिस्टेंस पूरा है डी, अब रह गया क्या आधा, तो ये डिस्टेंस हो गया कितना डी बाय टू, तो यहां आएगा डी बाय टू और ये टू ऊपर चला जाएगा, सी वन की वैल्यू आएगी ट्वाइस के वन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ऐसे ही ये मेरा जो कैपेसिटर है ये बन जाएगा मेरा क्या C2, और C2 की वैल्यू आएगी ट्वाइस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये मेरे C1 की वैल्यू, ये मेरे C2 की वैल्यू, और ये दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं सीरीज में। नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 की वैल्यू ट्वाइस K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस 1 अपॉन ट्वाइस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये पूरा का पूरा D ऊपर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा D ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन C इक्वल्स टू D अपॉन 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D अपॉन 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A। कोई चीज कॉमन, नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा 1 अपॉन C इक्वल्स टू, कोई चीज कॉमन D 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये दोनों में है D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A दोनों में है, यहां से क्या बचा 1 अपॉन K1 प्लस यहां से क्या बचा 1 अपॉन K2, सॉल्व आउट कर लो 1 अपॉन C इक्वल्स टू D ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A एलसीएम के वन के टू, के टू प्लस के वन, तो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू। दिस इज योर नेट कैपेसिटेंस इस सिचुएशन में, और ये जो मेरा आया था नेट कैपेसिटेंस इस सिचुएशन में। दोनों फिगर्स में जैसा लगता है बिल्कुल उल्टा करना है। इस फिगर में मुझे लग रहा है कैपेसिटर सीरीज में है, जबकि ये कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है। इस फिगर में मुझे लग रहा है कैपेसिटर पैरेलल में है, जबकि ये पैटर्न क्या होगा कैपेसिटर सीरीज में। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ टिपिकल प्रॉब्लम्स। थैंक यू।